हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गणपति बाप्पा के आगमन की तैयारी कैसी चल रही है? आज हम बनाएंगे गणपति बाप्पा के फेवरेट नटेला चॉकलेट मोदक। सो फ्रेंड, जिसके लिए मैंने एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है। कोई भी हेवी बॉटम पैन ले लीजिए या फिर आपको लेना है नॉनस्टिक पैन, उसमें हमें लेना है घी। यहाँ पे मैंने प्योर काऊ घी लिया है, इसलिए इसका कलर येलो है। सो इसे हमें अच्छे से मेल्ट होने देना है। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि हर टिप्स ट्रिक्स जो कवर हुई है आज के वीडियो में आपको समझ में आए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें डालना है मिल्क। यहाँ पे मैंने अमूल ताजा का टेट्रा पैक जो यूज करती हूँ वही मिल्क मैंने यहाँ पे लिया है। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम डालेंगे शुगर। स्वीटनेस आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, मुझे इतनी स्वीटनेस इनफ लगती है। और अभी शुगर जो है अच्छे से डिजोल्व होनी चाहिए, तब तक हमें मिक्स करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोकोवा। यहाँ पे आप लाइट कोकोवा भी यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे डच डार्क कोकोवा का यूज किया है जो कि मुझे बहुत पसंद है। सो अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, अब हमें फ्लेम को बंद कर देना है, ओके? क्योंकि हमें लम्स नहीं चाहिए हमारे डो में। सो यहाँ पे हमने लिया है अमूल्य का मिल्क पाउडर। अच्छी क्वालिटी का हमेशा मिल्क पाउडर यूज करना है। फ्लेम को बंद करके सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी गुठलियां ना रहे। फ्रेंड्स, ये देखिए मैं अच्छे से इसे मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, चलाते रहिएगा। अब हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। ये टोटली ऑप्शनल है, बट डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें हमने डाल दिया है वनीला एक्सट्रैक्ट या वनीला एसेंस डाल दीजिए। अभी फिर से हमें फ्लेम को ऑन करना है और इसे मीडियम टू लो फ्लेम तक कंटिन्यू इसे कुक करते रहना है जब तक ये अच्छे से डो फॉर्म में नहीं आता। अब हमने डालना है इसमें रोस्टेड हेजलनट्स। बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आता है फ्रेंड्स। अगर आपको हेजलनट्स यूज नहीं करना है तो मिक्स ड्राई फ्रूट का यूज जरूर कीजिए, ओके? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पैन को अभी ये छोड़ना स्टार्ट हो गया है, बट स्टील ये जो है डो फॉर्म नहीं हुआ है, ओके? सो इसे हमें और कुक करना है अच्छे से जब तक ये बहुत अच्छे से डो फॉर्म में नहीं आता। ये देखिए, नॉनस्टिक कढ़ाई या पैन में जब हम इसे कुक करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से डो फॉर्म में ये आ चुका है। अब हमें इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है। इस तरीके से प्लेट में आप इसे निकाल लीजिएगा और फैन के नीचे इसे आपको पूरा ठंडा होने देना है। जब तक ये ठंडा नहीं होता है फ्रेंड्स, इसके मोदक बिल्कुल भी मत बनाइए, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडा होने लगेगा ये सेट हो जाएगा। अच्छे से सेट हो गया है, ये देखिए पूरी तरीके से ठंडा हो गया है और ये ज्यादा सेट हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, है ना? सो एक बार स्पैचुला की सहायता से अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है, नीड कर लेना है, ओके? सो ये हमारा स्मूथ सा डो रेडी है। अब मैं यहाँ पे एक मोल्ड ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है मोदक मोल्ड, प्लास्टिक का मैंने लिया है। आप स्टील का भी ले सकते हो, काफी अलग अलग मटेरियल में आपको मिल जाएगा। और इसे आपको करना है ग्रीस। घी से ग्रीस करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। और थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट्स लगाएंगे जो दिखने में भी बहुत खूबसूरत दिखेगा और साथ में मोदक भी हमारे बहुत इजीली डिमोल्ड हो जाएंगे। थोड़ा सा पोर्शन ले लिया है हमने मोदक के लिए। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने मोदक मोल्ड में इस तरीके से सेंटर में डाल दिया, साइड से कवर कर दिया है। और अब हम एक कैविटी बनाएंगे सेंटर से। ये देखिए, सेंटर से आपको कैविटी बना लेनी है। कैविटी हम इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हेजलनट पेस्ट या फिर चॉकलेट हेजलनट भी कह सकते हो। यहाँ पे मैंने मिक्स ब्रांड का लिया है और बैक साइड से इसे अच्छे से पैक कर देना है और एक्स्ट्रा जो पोर्शन है वो निकाल देना है। ये देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल हमारा मोदक बन के रेडी है। ये देखिए, सेम वैसे हम बाकी भी मोदक अभी फटाफट रेडी कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप चाहो तो गुलाब की पंखुड़ियां इसके ऊपर लगा सकते हो। इस तरीके से मैंने काफी सारे मोदक बना लिए हैं। ये देखिए, तीसरा मोदक मेरा रेडी हो गया है। सेम वैसे मैं बाकी भी मोदक मैं बना लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको रेसिपी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।